मैं जो एंड वाली वैल्यू है इसे कम करूँगा और अराउंड जहाँ तक की भी आप लेंथ चाहते हो उस लोडिंग स्पिनर की। और यहाँ पर ये स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा मोशन आना चाहिए। तो इसे 2 रेवोल्यूशन और आगे दे देते हैं। तो लाइन कैप को बट कैप की जगह हम राउंड कैप करेंगे। अगर आप इस तरह का एक्सट्रीम नहीं चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, तो इतना एक्सट्रीम नहीं लगेगा। नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है, मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह का एक लोडिंग स्पिनर एंड देन उसके बाद सक्सेस वाला UI UX एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में कैसे बनाएं। काफ़ी सिंपल है, इसमें हम सिर्फ शेप लेयर्स यूज़ करेंगे और ट्रिम पाथ्स यूज़ करके इसे बनाएंगे। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। Ctrl+N से न्यू कॉम्पोजिशन, इसे मेन कह देंगे। 1080 स्क्वायर वीडियो हम बना रहे हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड। स्मूथ मोशन के लिए 8 सेकंड्स का टाइमलाइन और ओके हिट करेंगे। टाइटल एक्शन सेफ यहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके। वैसे इस केस में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम हमारा बैकग्राउंड बना लेते हैं। ऊपर रेक्टेंगल टूल पे मैं डबल क्लिक करूँगा, हमें कॉम्पोजिशन के साइज़ का एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। इसे फिल में दूंगा कुछ डार्क ब्लू कलर का, इस तरह कुछ ऐसा। एंड इस लेयर को हम रीनेम कर देंगे एंटर प्रेस करके बैकग्राउंड। एंड इस लेयर को हम लॉक कर देंगे ताकि हम इसे गलती से सिलेक्ट ना करें। अब हमारा जो लोडिंग होगा उसका जो बेस है वो बना लेते हैं। ऊपर रेक्टेंगल टूल पे होल्ड करके रखेंगे और एलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे। एलिप्स टूल पे मैं डबल क्लिक करूंगा, हमें एक सर्कल मिल जाएगा कॉम्पोजिशन के साइज़ का। हमें फिल नहीं चाहिए तो फिल को मैं रिमूव करूंगा, नन करूंगा। और स्ट्रोक हमें लेट्स से अराउंड 20 विड्थ का चाहिए, 20 पिक्सल्स का। इस शेप लेयर पे मैं 2 बार U प्रेस करूंगा इसके सारे एडिटेबल प्रॉपर्टीज़ खोलने के लिए। और इसके साइज़ को मैं कर दूंगा 300 बाय 300। अब इसका जो स्ट्रोक कलर है उसे मैं आई ड्रॉपर टूल से हमारे बैकग्राउंड के कलर का करूँगा। एंड यहाँ पर ब्राइटनेस में आके मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाऊंगा। राइट, तो ये कुछ इस तरह का हो गया। एंड अगर आप चाहें तो इस लेयर को T प्रेस करके ओपेसिटी कम करके अराउंड 80% कर सकते हैं ताकि हमें और थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा लुक है। इस लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ बेस। इस लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इसे रीनेम कर देते हैं स्पिनर, जो कि हमारा स्पिन होगा। विजुअल गाइड के लिए अगर आप चाहें तो इस लेयर के कलर को चेंज कर सकते हैं ग्रीन, ताकि हमें डिफरेंस पता चले कौन सी चीज़ क्या है। T प्रेस करके ओपेसिटी 100 कर देंगे। एंड जो स्ट्रोक कलर है उससे एक ब्राइट ग्रीन करेंगे, कुछ ऐसा। तो हमारा स्पिनर बन गया। अब हमें सिंपली इसे एनिमेट करना है। ये जो स्पिनर वाला लेयर है इसके कंटेंट्स को ओपन करेंगे और कंटेंट्स में यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा फेवरेट इफेक्ट ट्रिम पाथ्स। ट्रिम पाथ्स आ गया। तो इस एलिप्स 1 में यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, जैसे ये फिल एक्स्ट्रा इसे डिलीट कर दूंगा मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये जो ट्रिम पाथ्स है यहाँ पर स्टार्ट, एंड और ऑफसेट 3 प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं। सबसे पहले मैं जो एंड वाली वैल्यू है इसे कम करूँगा और अराउंड जहाँ तक की भी आप लेंथ चाहते हो उस लोडिंग स्पिनर की, तो इससे अराउंड 30% कर देंगे। एंड अब हम सिंपली हमारा जो ऑफसेट वाली वैल्यू है, ऑफसेट वैल्यू, इसे एनिमेट करेंगे। तो हमें हमारा लोडिंग स्पिनर मिल गया। अब मैं टाइमलाइन के स्टार्ट पे आऊँगा और हमारे ऑफसेट पे एक की फ्रेम दे देंगे। एंड शिफ्ट पेज डाउन से 10 फ्रेम्स आगे जाते हुए मैं 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 3 सेकेंड कॉम्पोजिशन में आगे जाऊँगा। एंड ये जो ऑफसेट वाली वैल्यू है इसे कर देंगे, ये वाली वैल्यू को, डिग्रीज का नहीं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को कर देंगे 6। तो अब देखेंगे तो 3 सेकेंड्स में ये कुछ इस तरह घूमेगा सर्कल के अराउंड। अब इस पॉइंट के बाद जो आगे का 1 सेकेंड है मैं चाहता हूँ कि ये पूरा भर जाए, फुल एंड कंप्लीट एनिमेट हो जाए। तो इस पॉइंट पे आके मैं एंड को की फ्रेम दूंगा एंड शिफ्ट पेज डाउन से 1 सेकेंड आगे जाएंगे और एंड को पूरा भर देंगे 30 से 100। और यहाँ पर ये स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा मोशन आना चाहिए। तो इसे 2 रेवोल्यूशन और आगे दे देते हैं। घूमना कंटिन्यू करेगा एंड देन कम्प्लीटली भर जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही वो लोडिंग स्पिनर कंप्लीट होगा बीच में क्लिक आना चाहिए। तो अराउंड इसके बीच में मैं यहाँ पर कुछ भी ना सिलेक्ट करते हुए ऊपर पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और स्ट्रोक विड्थ को 20 रहने देंगे एंड इसको ब्राइट वाइट कलर दे देंगे। अब सिंपली मैं एक पॉइंट यहाँ क्लिक करूँगा, एक पॉइंट यहाँ क्लिक करूँगा एंड एक पॉइंट यहाँ क्लिक करूँगा। इसके हैंडल्स को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो शेप लेयर बना है इसे रीनेम कर देते हैं टिक। अंदर कंटेंट्स में जाएंगे हम। जो शेप 1 है इसमें सिर्फ स्ट्रोक है, फिल को डिलीट करेंगे। और स्ट्रोक 1 में आके मैं जो लाइन कैप है और लाइन ज्वाइन है उसे चेंज करूंगा। तो लाइन कैप को बट कैप की जगह हम राउंड कैप करेंगे। तो आप देखोगे जो एंड्स है वो राउंड हो गए हैं। मीटर ज्वाइन को, लाइन ज्वाइन में मीटर ज्वाइन को हम राउंड ज्वाइन करेंगे। तो आप देखोगे कि ये जो ज्वाइन था वो राउंड हो गया। सिलेक्शन टूल लेके एडजस्ट कर लेंगे। ये हमारा टिक बन गया। अब हमें सिंपली इसे स्केल एनिमेट करना है। तो ट्रांसफॉर्म शेप 1 में जाएंगे। इससे जब कंप्लीट हो रहा है एनिमेशन उस टाइम पे मैं स्केल की फ्रेम दे दूंगा। 10 फ्रेम्स पीछे जाएंगे, एक और स्केल की फ्रेम दे देंगे और 10 फ्रेम्स आगे जाएंगे और एक और स्केल की फ्रेम दे देंगे। अब ये 100 और ये ऐसा हो रहा है। राइट, तो मैं जो फर्स्ट वाला की फ्रेम है उसको सिलेक्ट करूंगा और इसे जीरो कर दूंगा। जीरो से अभी 100 जा रहा है, तो जो मिडिल वाला की फ्रेम है थोड़ा सा एक ओवरशूट एक बाउंस इफेक्ट लाने के लिए जो मिडिल वाला की फ्रेम है उसे 105 कर दूंगा। तो ये इस तरह एनिमेट होगा। इन सभी की फ्रेम्स को F9 ईजी करेंगे और ग्राफ एडिटर में आएंगे। यहाँ पर हम स्पीड ग्राफ को एडिट कर रहे हैं। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये एंड में स्लोली रेस्ट पे आए, तो ये जो स्टार्ट की वैल्यूज़ हैं इसे मैं स्लोली बढ़ाऊंगा यहाँ पर, एंड देन जो एंड वाली वैल्यू थी उसे स्लोली अंदर कुछ। अगर आप इस तरह का एक्सट्रीम नहीं चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, ये दोनों को माउंटेन कर्व दे दें तो इतना एक्सट्रीम नहीं लगेगा। राइट, दिस इज़ मोर सटल। टिक बन गया, एंड देन जैसे ही टिक बन रहा है इसके पीछे से एक दूसरा बैकग्राउंड आना चाहिए जो कि स्क्रीन को फिल कर देगा। उसके लिए हम एलिप्स का यूज़ करेंगे, बिकॉज ये जो लोडिंग है वो एक सर्कल है, तो एक सर्कल बैकग्राउंड भरेगा तो ज़्यादा अच्छा फील आता है, कोहेरेंट फील आएगा। सिंपली ऊपर एलिप्स टूल पे डबल क्लिक करेंगे। इस बार मैं स्ट्रोक को नन कर दूंगा एंड हमारा जो फिल है उसे मैं आई ड्रॉप कर दूंगा हमारे बैकग्राउंड से। एंड इस बार मैं जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ाऊँगा एंड सैचुरेशन को कम कर दूंगा, इसे और ब्राइट कर सकते हैं थोड़ा, एकदम ब्राइट और अनसैचुरेटेड सा कलर। एंड इसे मैं रीनेम कर देता हूँ BG2। इसे हम हमारे बेस के ऊपर ले आएंगे। टिक वाले लेयर पे U प्रेस करूँगा की फ्रेम्स देखने के लिए, तो अराउंड यहाँ से वो बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे जो BG2 है उसको खोलेंगे। कॉन्टेंट्स में एलिप्स 1 में स्ट्रोक की जरूरत नहीं है तो डिलीट कर देंगे, और ट्रांसफॉर्म एलिप्स 1 में हम इसे स्केल 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 की फ्रेम्स दे देंगे। अब इस पॉइंट पे स्टार्ट पे इसकी वैल्यू 0 होगी, स्क्रीन के अंदर से निकल रहा है, तो 0 0 2। अब इसमें एक्चुअली 2 ही की फ्रेम्स की ज़रूरत है, तो मैं ये सेंटर वाला की फ्रेम डिलीट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ये 100 नहीं होगी वैल्यू, ये स्क्रीन को पूरी तरह भरना चाहिए, उतना इंक्रीज़ करेंगे जब तक ये स्क्रीन को पूरा भर दे, अराउंड 150। इसे इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे F9 ईजी ईज, और ग्राफ एडिटर में आके मैं इसे कुछ इस तरह का इंटरपोलेशन दे दूँगा कि स्लो एंड देन फास्ट भरे। अब यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड 2 है इसका कलर हमारे टिक से ओवरलैप कर रहा है, इसको थोड़ा ब्लूइश ही रखते हैं कुछ ऐसा। कंट्रोल A से एक लेयर को बंद करेंगे, कंट्रोल Shift A 5 पे आके N प्रेस करूँगा हमारा वर्क एरिया एंड करने के लिए, और स्टार्ट से हमारा एनिमेशन लोडिंग स्पिनर। तो ये था आज का वर्क फ्लो वीडियो, शॉर्ट एंड सिंपल। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको आफ्टर इफेक्ट्स इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूँ। ऐसे और वर्क फ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पीस। अगर आप चाहते हैं कि ठीक है आप छोड़ दें, और मैट मिल्टर मीटर जॉइन को लाइन जॉइन में मीटर जॉइन को हम 14